दोस्तों देख सकते हो आप, ये हमारे पास एक चार्जर है जो कि लखनऊ से आया है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर चार्जर की क्या कंडीशन है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्जर है महिंद्रा क्लियो गाड़ी का है, ई रिक्शा का चार्जर है, एक्जीकॉम का चार्जर है ये। इसमें बहुत ज्यादा टेप लगा दिया गया है। देख सकते हैं इस चार्जर का ये पिन भी डैमेज हो चुका है, प्लग भी डैमेज है, ये पिन कटा हुआ है इसका और इसमें एसी केबल नहीं आया इस चार्जर के साथ, और इधर से भी पूरी तरह से केबल डैमेज हो चुकी है। क्लाइंट ने इसके टेप लगा लगा के काफ़ी कोशिश किया था कि इसको चलाने की, बट नहीं चला है। इस वजह से हमारे पास भेजा गया इस चार्जर को रिपेयर करने के लिए। और अब इस चार्जर को एक बार खोल के देखते हैं अंदर इंटरनली डैमेज कितना हुआ है। ड्रिलने वाली मशीन है, इसको हम ड्रिल मशीन भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इंटरनली कितना डैमेज हुआ है, ये पार्ट्स दोनों कनेक्टर जल गया है पूरी तरह से। चार्जर की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये चार्जर पहले भी खुला हुआ है। आप वोल्ट इसके सारे पैच देख सकते हैं कि पैच भी काफी ज्यादा इसमें अंदर नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चार्जर पहले भी कहीं दिखाया गया है, खुला हुआ है चार्जर है। और इसके अंदर वाटर भी गया हुआ है, पानी भी जा चुका है इसके, यहाँ पर देख सकते हैं कि निशान बना हुआ है वाटर का हल्का। तो अब इसको फाइनली इसकी पीसीबी भी निकाल कर देखते हैं और अंदर कितना डैमेज हो चुका है ये चार्जर। सर घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, चार्जर अगर बन सकता है 1% चांस भी अगर इसके अंदर जान बची है तो हमारे पास ये चार्जर बन जाएगा। बाकी अब चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि बनेगा नहीं बनेगा, फाइनली वो हम चेक करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि बन सकता है नहीं बन सकता है। बाकी तो 99% तो हमारे पास चार्जर हर टाइप के चार्जर बन जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पीछे से पीसीबी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, पीसीबी पूरी तरह से जल चुकी है ये। ठीक है दोस्तों, अब इस चार्जर को हम इंजीनियर के पास भेजेंगे, अब वो चेक करके बताएंगे हमें कि इस चार्जर में कितना फॉल्ट आया है और कितना टाइम लगेगा इस चार्जर को बनने में। बट हमारे पास ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कैसा भी चार्जर है हमारे पास कंप्लीट बनकर हमारे पास रेडी हो जाता है। और इस चार्जर की फाइनल वीडियो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें ये चार्जर वर्किंग में बनने के बाद जब हमारे पास आ जाएगा तब इस चार्जर को हम चलाकर वर्किंग में लोड पर चेक करा के हम इस चार्जर को डिस्पैच करेंगे क्लाइंट के एंड पे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।